आप फेसबुक यूज़ करते हो, फेसबुक पर बहुत ढेर सारे लोग आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, पर आप सबकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हो। ऐसे में क्या होता है कि आपके फेसबुक में बहुत ढेर सारी लिस्ट तैयार हो जाती है जो कि उन लोगों की होती है जो कि आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। अगर आप चाहते हो कि जिन लोगों ने भी आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है, अगर आप उन्हें एक्सेप्ट करना चाहते हो, देन तो आप उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हो। लेकिन अगर आप उन फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, देन उन फ्रेंड रिक्वेस्ट को आप डिलीट कर सकते हो। जो फ्रेंड रिक्वेस्ट लोग आपके पास भेजते हैं, उन फ्रेंड रिक्वेस्ट को आप कैसे डिलीट कर सकते हो, उन फ्रेंड रिक्वेस्ट को आप कैसे कैंसिल कर सकते हो, आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। अगर आप जानना चाहते हो कि किस तरह से जो फ्रेंड रिक्वेस्ट फेसबुक पर आपके पास आती है, आप उन्हें किस तरह से कैंसिल या डिलीट कर सकते हो, देन जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। और हाँ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वरना आपको आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन पता लगेगी। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ वीडियो को पूरी देखिए। हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल बेसमार्ट विद एसआर। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से आप फेसबुक पर जो लोग आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, उन फ्रेंड रिक्वेस्ट को अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो किस तरह से आप उन फ्रेंड रिक्वेस्ट को डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे आपको अपनी फेसबुक की ऐप पे आना है। यहाँ पे ऊपर 3 लाइंस दिख रही हैं, इन लाइंस पे क्लिक करना है। आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे आपको फाइंड फ्रेंड्स का ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर दिख रहा है फ्रेंड रिक्वेस्ट, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कौन कौन सी फ्रेंड रिक्वेस्ट आपके पास आई है। तो ये फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई है, देन यहाँ पे 2 फ्रेंड रिक्वेस्ट शो हो रही हैं। यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा है फ्रेंड रिक्वेस्ट, यहाँ पे आपको उस आईडी का नाम दिखेगा जिससे कि आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगी, कंफर्म और डिलीट का। अगर आप रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना चाहते हो, देन आप सिंपली इसको कंफर्म कर सकते हो। लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, आप रिक्वेस्ट को डिलीट करना चाहते हो, देन यहाँ पे जो डिलीट वाला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। कन्फर्म और डिलीट के 2 ऑप्शन मिलेंगे, आपको डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब आप डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, देन उसके बाद ये फ्रेंड रिक्वेस्ट डिलीट हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट को डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी आई हुई फ्रेंड रिक्वेस्ट को डिलीट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन सजेशन हो, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी यूजफुल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।